अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुकद्दस सहरी जीवीएस। आज हम अपने किचन में सिंपल सी हमारी सादी सी आज डिश है तो ये हम तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, कभी कभी दिल करता है कि हम अपनी जो सादी डिशेस होती थी उनको भी ट्राई करें। तो व्यूज़ ये देख लें, मैं बना रही हूँ आलू गोश्त, बना रही हूँ चिकन आलू बना रही हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है इंशाल्लाह हमारे ये बनेंगे आलू गोश्त। तो व्यूज़ ये देख, हाफ के जी हमारा चिकन है, हाफ के जी हमारे आलू हैं, और ये देख लें कुछ सिंपल से सादे से हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। तो हम मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ, साथ में हम अपने करते हैं कुकिंग स्टार्ट। जीवीएस ये देखें, मैंने फ्लेम के ऊपर रख लिया है बर्तन। अब इसमें मैंने तकरीबन 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है, और ये बारीक बारीक से ये कटे हुए दो दरमियाने साइज के ऑनियन थे ये इसमें डाल देते हैं। दरमियानी आँच के ऊपर माइली पिंक का कलर जब इससे आ जाएगा तो फिर हम मजीद इसमें इंग्रीडियंट्स ऐड करेंगे। जीवीएस ये देख लें, माइली पिंक का कलर आ गया है इसमें। 3 टेबल स्पून के करीब हमारा जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, ये डाल देते हैं 3 टेबल स्पून। और इसी के साथ मैं व्यूज ये देखूँ, इसी के साथ ये 7 से 8 अदद हरी मिर्चें थी, इनको भी मैंने पेस्ट बना लिया, ये भी डाल देते हैं साथ ही। अब अच्छी तरह से इसकी भी भुनाई कर लेते हैं, 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह जिंजर गार्लिक को कुक करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। व्यूज ये देख लें, जिंजर गार्लिक का कुकिंग टाइम कम्प्लीट हो, 3 से 4 मिनट हो गए मुझे इसको कुक करते हुए। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक ये दरमियाने साइज़ का टमाटर था, दरमियाने साइज़ का ये एक टमाटर हमने ऐड कर दिया। अब इसको भी सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। जीवीएस ये देख रहे हैं, टमाटर साथ साथ सॉफ्ट होते रहेंगे। मैं अब इसमें ड्राई मसाले ऐड कर देती हूँ। 1 टीस्पून ये देख रहे हैं हल्दी पाउडर है, 1.5 टेबल स्पून भर के रेड चिली पाउडर है, 1 टेबल स्पून ये देखें पाउडर फॉर्म में सूखा धनिया है, 1 स्पून के करीब ये देख लें पिसा हुआ गर्म मसाला है, 1/2 टेबल स्पून ये देख लें नमक है, और 1 टेबल स्पून मैंने जब मसाला पीसा था जिंजर गार्लिक को तो उस टाइम पे भी मैंने ऐड किया था। आप अपनी अकॉर्डिंग योर टेस्ट यूज़ कीजिएगा। अब फ्लेम लाइट कर लिया है मैंने, लाइट फ्लेम के ऊपर इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे मसालों की, और फिर पानी का छींटा लगाएंगे ताकि फ्लेवर इन्हेंस हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं, भुनाई कर लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह मसालों की। ठीक है, छीका लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसाले की अच्छी तरह भुनाई हो गई है। अब मैं इसमें चिकन ऐड कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख लें थोड़ा सा फ्लेम मैंने हाई कर लिया है। अब हाई फ्लेम के ऊपर इसकी हम भुनाई करेंगे, 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसकी भुनाई करूंगी ताकि चिकन अच्छी तरह हमारा भुन जाए। 5 मिनट के लिए मैंने ये चिकन को अच्छी तरह से मसालों में भून लिया है, भुनाई पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। मैं इसमें पोटैटो ऐड कर देती हूँ, ये देखें बड़े साइज़ के पोटैटो हैं, मैं मुझे ज़रा बड़े साइज़ में ये अच्छे लगते हैं आलू गोश्त के सालन में, ज़रा ये आलू जो है ना थोड़े बड़े साइज़ के अच्छे लगते हैं। अब इसकी भी मैं भुनाई कर लूँगी अच्छी तरह से इसी के साथ। 2 मिनट के लिए आलुओं को भी भून लेते हैं इस मसाले में अच्छी तरह, हल्का सा पानी का छींटा और लगाएंगे। अब हाई फ्लेम के ऊपर, नॉर्मल टू हाई फ्लेम के ऊपर इसकी हम भुनाई कर लेंगे। एक गोश्त की हीट सी होती है जो भुनाई से ही ख़त्म होती है चिकन की। जैसे इसकी भुनाई हो चुकी है, अब मैं इसमें पानी लगाकर बस इसको मैं कवर लगा दूंगी ताकि ये अच्छी तरह हमारा गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि चिकन अच्छी तरह हमारी गल जाए और आलू भी हमारे गल जाएँ। अब मैं इस पर कवर लगा दूंगी, चिकन और आलू गलने तक के लिए हम इसको कुक करेंगे, चिकन और आलू अच्छी तरह गल जाएं। अब मैं इस पर कवर लगा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जी भी इसी देख लें, मैंने इसके ऊपर से कवर हटा लिया है, माशाल्लाह से आलू भी गल चुके हैं, चिकन भी हमारी गल गई है। अब इसमें इतना वाटर डालेंगे कि जितनी आपने इसकी ग्रेवी रखनी है, ये आलू जो गोश्त वाला सालन होता है इसका शोरबा ही अच्छा लगता है, तो इसमें मैं थोड़ा सा वाटर और ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
बस इतना रखूंगी मैं। अब इसमें हल्का सा गरम मसाला ऐड कर देती हूँ, एक चुटकी इसमें गरम मसाला ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया इसमें ऐड कर देते हैं और फिर इस पे कवर लगा देते हैं ताकि जो हमने इसमें वाटर ऐड किया है ये भी अच्छी तरह कुक हो जाए। लाइट फ्लेम के ऊपर, बिल्कुल आपने फ्लेम को लाइट कर देना है। कवर लगा देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हो चुका है, अब मैं इसको सिंपली डिश आउट कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देख ले, माशाल्लाह से हमारा ये आलू गोश्त का सालन भी डन 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 हो गया है और हमने डिश आउट भी कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये सालन बनता है। आप राइस के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। कभी कभी इंसान का दिल करता है कि आलू गोश्त का शोरबे वाला सालन हो और उसके साथ हम रोटी डिप करके अच्छी तरह से उसमें फिर वो खाएं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये साफी से अपनी फैमिली में ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ में मुझे इजाजत रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल, जिंदगी रही सांसों ने की वफा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।